तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जमुना ऑटो के स्टॉक के बारे में। जमुना ऑटो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो कि जो स्टॉक है ये पहले हमको यहाँ पर लगा था क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से भी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगा था गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.53% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है 110 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो ऐसे हमको स्टॉक है 107, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 104, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया दैन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 100 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 113 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 118, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 123, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक है 127, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 134 140 150 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट टाइप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।